कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इस बीच सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। आखिरकार जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। वित्त मंत्री ने 1.7 लाख करोड़ के कोरोना स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। सरकार की पहली कोशिश देश के हर नागरिक का पेट भरना है। इसके अलावा उनकी दूसरी जरूरतों के लिए DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की। इस योजना के जरिए 8 कैटेगरी में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा, पेंशनर्स, दिव्यांग, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को EPFO के जरिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर को DBT का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा। इस योजना के जरिए अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल और गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा 1 किलो दाल हर परिवार को मुफ्त में मिलेगा। गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा DBT के जरिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए जाएंगे। 8.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में ₹2,000 की किस्त डाली जाएगी। देश में मनरेगा योजना का लाभ 5 करोड़ परिवारों को मिलता है। मनरेगा दिहाड़ी अब ₹122 से बढ़ाकर ₹202 कर दी गई है। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को ₹1,000 दो किस्तों में अलग से दी जाएंगी। यह अगले 3 महीने में दिया जाएगा। इसका लाभ करीब 3 करोड़ लोगों को मिलेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स, आशा सहयोगी और अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की घोषणा की गई है। सरकार ने लोगों के लिए 50 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस का ऐलान किया है। इसका लाभ करीब 20 लाख मेडिकल कर्मियों को मिलेगा। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख तक लोन का ऐलान किया गया है। इसका लाभ 7 करोड़ परिवारों को मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत देश के करीब 8.3 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर मिलता है। अगले 3 महीने तक उन्हें मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। देश में महिलाओं के नाम पर करीब 20 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। उनके अकाउंट में अगले 3 महीने तक ₹500 दिए जाएंगे। जिन लोगों को EPFO का लाभ मिल रहा है उनके लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 महीने तक सरकार एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा जमा करेगी। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जहां 100 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं और 90% एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है। इससे पहले 24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री ने आम लोगों से जुड़े कई ऐलान किए थे, जिसके तहत अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के ATM से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। वहीं वित्त मंत्री ने सभी व्यापार वित्त ग्राहकों के लिए डिजिटल कारोबार सौदे को लेकर बैंक शुल्क कम करने की भी घोषणा की है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।